हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज़ रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज हम लोग होली स्पेशल गुजिया बना करके तैयार करेंगे। और ये जो गुजिया है ये हम अलग तरीके से बनाएंगे। हम फ्लावर गुजिया बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और साथ में ही अगर आपको सिंपल गुजिया बनानी है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, तो वो रेसिपी भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी सारे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। आप जब बनाएंगे तो आपको सबको अच्छी लगेगी, आपके गेस्ट को। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है। आप किसी भी कप से नाप करके 1 कप मैदा ले लें। मैदा को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके साथ में ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी लिया है। आप कोई भी कप का मेजरमेंट कर लें, और उस कप से आप 4 छोटे कप मैदा ले लें और 1 छोटा कप आप घी ले लें, यानी मैदा का 1/4 हिस्सा हमें मोइन के लिए घी डालना है। इसमें घी को हम मैदा के साथ में मिक्स कर देंगे, और इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा इसमें गुनगुना पानी डालते हुए इसका सख्त आटा गूंद करके तैयार करेंगे। जैसा आटा हम पूरी के लिए लगाते हैं वैसा ही आटा हमें गूंदना है। और गर्म पानी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। आटा गूंद करके तैयार हो गया है, ये देखिए। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर बच गया है, 1/4 कप मैंने पानी लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें से बच गया है। तो अब हम इस आटे को ढक करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद में हम गुजिया बना करके तैयार करेंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में 4 बड़े चम्मच घी को गर्म कर लिया है। घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने 1/4 कप दूध डाला है, और दूध को हम मिक्स करके इसमें हल्का सा एक उबाल आने देंगे। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे हम। दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है, चारों तरफ से आपको दिखाई देगा। इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आज हम स्टफिंग बना रहे हैं वो मिल्क पाउडर से बना रहे हैं। आप चाहें तो मावे का भी इसमें यूज कर सकते हैं स्टफिंग के लिए। मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर से स्टफिंग बना रही हूँ। तो मावे मिल्क पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे अपने दूध के साथ में, और इसमें एक उबाल आने देंगे। गैस को हमने मीडियम पे ही किया हुआ है। एक उबाल आने के बाद में हम इसमें 4 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा है, ये मैंने इसमें मिक्स किया है। नारियल का बुरादा मैंने घर पे बनाया है। और 1/4 कप इसमें हम पाउडर शुगर यूज करेंगे। नारियल के बुरादे में मैंने जो ब्लैक वाली स्किन होती है वो रिमूव नहीं की है, उसके साथ में इसको ग्रेट कर लिया है। और चीनी को मैंने घर पर ही पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, यानी कि जब तक ये अच्छे से पैन नहीं छोड़ने लगे और बाइंड नहीं होने लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। 5 मिनट में ही ये बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। 5 मिनट बाद ये देखिए इसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है, एकदम गाढ़ा हो गया है, बाइंड होने लग गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। और देखिए आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से घी है जो अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा मावा सिक करके तैयार है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और उसके बाद में हम इसकी स्टफिंग करेंगे गुजिया के अंदर। यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना करें, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आटा हमारा सेट होकर के तैयार हो गया है। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है और छोटा सा पोर्शन निकाल करके एक अपने सरफेस पे रख लिया है। इसके बाद में हमें इसको बेलना है, और इसको हमें एकदम पतली रोटी की तरह बेलना है, बड़ी सारी, क्योंकि इससे हम पहले फ्लावर गुजिया बना करके तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल पतली रोटी बेल करके तैयार कर ली है। अब हम इसको चारों तरफ से कट करके चौकोर बना लेंगे। एक रेक्टेंगल शेप हमें इसकी लेकर आनी है, इसलिए हम चारों तरफ से इसको कट कर देंगे। और जो साइड्स में एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल करके दोबारा इसको अपने आटे के साथ में मिक्स कर देंगे।
बीच में से भी हम इसको यहाँ से कट करेंगे क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं, तो बीच में से इसको कट करेंगे और नाप करके हम इसके स्क्वायर बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी गुजिया बनानी है उस हिसाब से आप स्क्वायर ले लें। तो हम इसके स्क्वायर कट करके तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, मैंने स्क्वायर काट लिए थे चारों। अब देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे, पहले दो ऊपर की साइड से, फिर इस साइड से फोल्ड करेंगे और फिर चौथी साइड से यहाँ से फोल्ड करके इसको दबा देंगे हल्का सा, और फिर इसको हमें पलटना है इस तरीके से। और अब इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं यानी कि चारों तरफ हमें इसके पानी लगाना है अच्छे से। आप चाहें तो मैदा को पानी में घोल करके भी लगा सकते हैं जिससे कि अच्छे से बाइंड हो सके। तो आप पानी को चारों तरफ लगा दें अच्छे से। उसके बाद में हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये जो बीच में इसका हिस्सा है जहाँ हमने पानी नहीं लगाया था वहाँ पर हम थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को हम बीच में रख देंगे बिल्कुल। और अब हम दोनों तरफ से इसको उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से उठाएंगे इसको, और बीच में से इसको दबाते हुए इसको हम बंद कर देंगे बिल्कुल। हमें इसको सील कर देना है, देखिए थोड़ा सा इस तरफ से देखते हैं, इसको हमें बिल्कुल सील कर देना है, ये बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए। चारों तरफ से हम इसी तरह से उठाते हुए इसको बंद कर देंगे, ये देखिए इस तरह से इसको हम इस तरफ से भी बंद कर देंगे। चार कॉर्नर्स इसके बन जाएंगे। शुरू शुरू में जब आप बनाएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी है और बहुत ही है। और बीच में से भी हम इसको इस तरह से दबाते हुए बंद कर देंगे, और पीछे से जो ये पेटल्स बची हैं इनको हम आगे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए पीछे की तरफ जो हमने टर्न की थी पहले उनको हम आगे की तरफ निकाल देंगे। जहाँ से भी ये थोड़ी खुली हुई नज़र आती है, जैसे यहाँ से खुली है, तो इसको हम दबा करके अच्छे से बंद कर देंगे। ये बिल्कुल भी खुली नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छे से दबा के बंद कर देना है। और थोड़ी देर के लिए इसको सुखाना हमें पड़ेगा, 2-3 मिनट के लिए। अगर ये थोड़ी भी खुली रह गई तो ये फिर ऑयल में जाने के बाद में खुल जाएगी और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो एक फ्लावर गुजिया है वो बनकर के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। और इसी तरीके से हम बाकी की गुजिया भी बना करके तैयार करेंगे। सारी गुजिया हम इस तरह से बना लेंगे। और अगर आप चाहें कि आपको इस तरह की गुजिया नहीं बनानी है, बिल्कुल सिंपल प्लेन वाली गुजिया जो बनती है वो बनानी है, तो हम छोटी छोटी इस तरह की लोई बना लेंगे आटे में से। और इसको हमें पूरी के आकार का बेल लेना है। यहाँ जो ये हम पूरी बेलेंगे वो ना तो ज़्यादा मोटी बेलेंगे ना ही ज़्यादा पतली बेलेंगे, और इसके चारों तरफ हम अच्छे से पानी लगा देंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, पूरी के जैसा ही बेल करके तैयार करना है। इसके बीच में हम यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे इस तरह से। इसको ऊपर से उठाते हुए हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे और हाथ से हल्का हल्का इसको प्रेस करके दबा देंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ट्रेडिशनल तरीका है। इसके बाद हम फोक की सहायता से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। इससे क्या होता है कि अच्छा से डिजाइन भी बन जाता है और ये बहुत अच्छे से दब जाता है, जिससे कि बाद में खुलने के चांस नहीं रहते हैं गुजिया के। तो आप जैसे चाहे वैसे शेप में अपनी गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सारी गुजिया मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर ली हैं। ये देखिए सारी गुजिया मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। कुछ मैंने फ्लावर वाली बनाई हैं, कुछ मैंने सिंपल बनाई। तो अभी हमें इनको 2-3 मिनट के लिए सुखाना है और इसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो हम अपनी गुजिया को इसमें तलने के लिए डाल देते हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही हमें फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो आप गैस को 2-3 मिनट के लिए बंद कर दें। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो फिर से गैस को ऑन कर दें, जिससे कि जो ऑयल है वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और हमें धीमी धीमी आंच पर इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में गुजिया को हम पलटते रहेंगे।
जिससे कि दोनों तरफ से ही अच्छे से सिक सकें। ये देखिए जो हमारी गुजिया है उनका कलर गोल्डन आ गया है, तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी की गुजिया है हमारी उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है इस वक्त, तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और बंद गैस में ही 2-3 मिनट के लिए पहले अपने फ्लावर मटरी को फ्लावर गुजिया को फ्राई करेंगे और 5 मिनट के बाद में हम इस गैस को फिर से ऑन कर देंगे जिससे कि जो गुजिया है वो अच्छे से फ्राई हो सके, अंदर से कच्ची ना रहे। गुजिया फ्राई करने के बाद में अब हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी शुगर ली है और 1 कप शुगर में मैंने 1/2 कप पानी लिया है। गैस को ऑन करेंगे और पहले हम चीनी के घुलने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद में तार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और अब हम चीनी के घुलने तक इसको पहले पकाएंगे, उसके बाद में गैस को धीमी करके इसको पकाएंगे जब तक कि अच्छे से तार बनने ना लग जाए। ये देखिए चीनी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हमारी चाशनी बिल्कुल क्लियर बनी है और चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। अगर आपकी चीनी में इम्प्योरिटीज़ हो तो आप थोड़ा सा दूध इसमें डाल दें जिससे कि जो गंदगी है वो झाग बनकर ऊपर आ जाएगी और उसको आप चम्मच से इस तरह से निकाल करके बाहर निकाल दें जिससे कि आपकी चाशनी जो है बिल्कुल क्लियर बनेगी। चाशनी में मैंने 1/2 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर मिक्स किया है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना करें, या फिर आप केसर के धागे या फिर रोज़ एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चाशनी बन गई है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी चम्मच पर लेंगे, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे और अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में इसको चिपका कर देखेंगे कि जो चाशनी है वो तार भी अच्छा बन रहा है और एकदम से ये जमे जा रही है, यानी कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जम सी गई है, बूरा जैसा हमारे हाथ में बनने लग जाएगा। ये देखिए बहुत टाइट तार हमारा बन रहा है, इसका मतलब चाशनी तैयार है। एक टाइट बिल्कुल तार बनने लगेगा। चाशनी तैयार है तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें अपनी गुजिया एक एक करके डालेंगे और अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे। हमें इसमें गुजिया को पटक के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसमें डिप करेंगे, चारों तरफ से कोट करेंगे और निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे गुजिया को। और इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजिया को चाशनी में कोट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बिना चाशनी के भी गुजिया को खा सकते हैं, पर चाशनी लगाने से ये और ज़्यादा स्वीट हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप बिना चाशनी के भी इनको खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी तभी भी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी गुजिया बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और आप चाहें तो इनको फ्लावर शेप में बनाएं, चाहे आप सिंपल शेप में बनाएं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी तब भी। फ्लावर शेप में अगर आप बनाएंगे तो आपके गेस्ट जो है वो खुश हो जाएंगे इसको बनाकर। तो आप इसको बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।